भारत में कोविड-19 के 1993 कन्फर्म केसेज आए हैं, जिससे कि हमारी टोटल कन्फर्म केसेज की संख्या अब 35,043 केसेज हो चुकी है। इनमें से 25,007 केसेज प्रेजेंटली एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं। अगर हम पिछले 24 घंटे में देखें तो 564 पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं, जिससे कि हमारी टोटल टैली ऑफ रिकवर्ड केसेज बढ़कर अब 8,888 हो चुकी है। इस तरीके से हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा रिकवरी रेट निरंतर बढ़ते हुए अब 25.37% हो चुका है। जैसे कि आप सभी को पता है कि देश के विभिन्न जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है। राज्य और जिला प्रशासन द्वारा कंसंट्रेटेड एफर्ट्स करते हुए यह इंश्योर करना है कि जिन भी जिलों में केस आए हैं, यानी कि रेड या ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट्स, वहां पर इफेक्टिव और स्ट्रिंजेंट कंटेन मेजर्स के थ्रू चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक किया जाए। मैपिंग ऑफ केसेज एंड कॉन्टैक्ट्स, यानी कि जितने भी केसेज आए हैं उनको और उनके कॉन्टैक्ट्स को मैप किया जाए। वह केसेज और उनके कॉन्टैक्ट, उनका ज्योग्राफिकल डिस्पर्शन क्या है उसको एनालाइज किया जाए। उसके साथ ही एक वेल डिफाइंड पैरामीटर, जिसमें कि सारे रूल्स को प्रॉपरली और तरीके से इन्फोर्स किया जा सकता है, उन क्राइटेरिया को कंसिडरेशन में लेते हुए जहां पर भी ये केसेज आए हैं वहां पर एक कंटेनमेंट जोन डिलीनेट किया जाना चाहिए। अर्बन एरियाज में, जैसे कि कोई रेजिडेंशियल कॉलोनी हो सकती है, कोई मोहल्ला हो सकता है, कोई म्यूनिसिपल वार्ड या कोई पुलिस स्टेशन एरिया या कोई म्यूनिसिपल जोन और पूरा टाउन, डिपेंडिंग ऑन कि केसेज का स्प्रेड आउट कैसा है। इसी तरीके से रूरल एरियाज में कोई विलेज या क्लस्टर ऑफ विलेज और पुलिस स्टेशन या कोई ग्राम पंचायत या ब्लॉक, इस टाइप के एरियाज को डिपेंडिंग ऑन द अबव पैरामीटर्स हमें कंटेनमेंट जोन को डिलीनेट करना है। इसके साथ ही इन एरियाज में एक बफर जोन भी डिक्लेयर करनी चाहिए अराउंड द कंटेनमेंट जोन, और कंटेनमेंट जोन में एक्सेप्ट फॉर एसेंशियल सर्विसेज एंड एक्टिविटीज, सारी एक्टिविटीज पर प्रोहिबिशन रहे। वहां हमारा मुख्य एफर्ट हो कि एक तरफ हम जब स्ट्रिंजेंट पैरामीटर कंट्रोल कर रहे हैं, दूसरी तरफ स्पेशल टीम्स बनाकर कंटेनमेंट जोन में हाउस टू हाउस सर्वेलेंस की जाए। ये स्पेशल टीम्स सभी केसेस को एक्टिवली सर्च करें, उनका फोकस ILI यानी कि इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस और सारी यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के केसेस को डिटेक्ट करने में लगे। सभी केसेस जो पाए जाएं उन पर टेस्टिंग क्राइटेरिया के तहत सैंपलिंग उनकी की जाए, सारे कॉन्टैक्ट ट्रेस किए जाएं, और उसी के साथ ही जितने भी पॉजिटिव केसेस पाए जाएं उनका प्रॉपर प्रोटोकॉल के हिसाब से क्लिनिकल मैनेजमेंट कर फेटेलिटी को कम से कम करके उन पेशेंट्स को रिकवर कराया जाए। इसी तरीके से हमारे एफर्ट्स होने चाहिए कि हम एक्सटेंसिव सर्विलेंस करें ILI और सारी केसेस की बफर जोन में इन ऑल द हेल्थ फैसिलिटीज, ताकि ओवरऑल कोऑर्डिनेट एफर्ट्स के थ्रू हम ब्रेक कर पाए चेन ऑफ ट्रांसमिशन को। आज जब कोविड-19 पेंडेमिक से हम डील कर रहे हैं तो हम लोग लाइफ की नई रियलिटीज को भी फेस कर रहे हैं। एज पीपल से कि वी आर गोइंग टू सी ए न्यू नॉर्मल, हमें जरूरत है कि हम सावधान रहें, जागरूक रहें और हर तरीके से सतर्क रहें। कंटेनमेंट जोन के बाहर भी सरकार के द्वारा दिए हुए सभी दिशा निर्देशों का पालन करना अति आवश्यक है। हमें कॉन्शियस एफर्ट्स करने हैं कि जब हम लोगों के साथ कॉन्टैक्ट में रहें तो डायरेक्ट और कन्फाइंड कॉन्टैक्ट से फिजिकल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को पालन करते हुए हम लोगों से मिलें और उसके हिसाब से अपना दिनचर्या प्लान करें। किसी भी एरिया में कंजेशन से बचने के लिए स्टैगर्ड टाइमिंग जैसे कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करें। हैंड्स को अपने वॉशिंग हैंड्स विद सोप वाटर या सैनिटाइजर का उपयोग, इसके थ्रू हम हैंड हाइजीन को प्रमोट करें। जो भी फ्रीक्वेंटली टच सर्विसेज हो सकती हैं, जैसे कि टेबल टॉप्स, चेयर के हैंडल्स, कीबोर्ड्स, माउस, माउस पैड एटसेट्रा, उनको नियमित रूप से डिसइंफेक्ट और साफ करते रहें, और सभी लोग मास्क या फेस कवर एज अप्रोप्रिएट उसका इस्तेमाल करें। हमें यह समझना चाहिए कि मास्क पहनने वाला व्यक्ति बीमार व्यक्ति नहीं है। मास्क पहनने वाला व्यक्ति वह व्यक्ति है जो अपने समाज के बारे में अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है और विचारशील है। अपनी सुरक्षा के लिए सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि कोरोना ट्रैकर एप्लीकेशन आरोग्य सेतु डाउनलोड की जाए। इस लड़ाई में पूरा दुनिया जुड़ी हुई है। उस समय पर अगर इंडिया को सक्सेसफुल होकर इससे निकलना है तो जरूरत है कि हम सिंपल एक्शन जो कि हमें सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन, एनवायरमेंटल हाइजीन और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि
काइंडली हेल्प अस टू हेल्प यू। धन्यवाद। धन्यवाद फ्रेंड्स, जैसे आपको मालूम है कि सरकार ने 11 एम्पावर्ड ग्रुप्स गठित किए हैं। हमारे पास ऑलरेडी 4 ग्रुप्स की जो